कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडे ने महानगर के 3 थाना क्षेत्रों कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर में 18 जुलाई के रात्रि तक लॉकडाउन का प्रभावी रखने का निर्देश दिए हैं। जिसके संबंध में गोरखपुन्नी से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कहा कि 3 थाना क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण उस क्षेत्रों को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने अपील किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों में रहें, सभी के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद लॉकडाउन हटा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से विशेष बात करते हुए अधिकारी के विजय पांड्या ने बताया। देखिए, सभी लोग का मैं निवेदन करता हूँ, खासतौर पे इसी 3 थाना क्षेत्र है, हम लोग सोच समझ के हम लोग उसको तो कर्फ्यू टाइप का घोषित किया, यानी लॉकडाउन किए हैं। इसका मकसद यही है, पिछले 3-4 दिन में ही तो बहुत भारी मात्रा में केस निकली थी, एक एक दिन में तो कहीं 20-30-40 कहीं 50 केस तक निकल रही है और ये एक दूसरे केस से जुड़ी हुई है, एक हैमलेट कहते हैं क्लस्टर के रूप से निकल रहा है। इसलिए आज भी हुमायूंपुर में जांच चल रही है, हमारा घर घर जा करके हम सर्वे कर रहे हैं। ये आपके भले के लिए है, इसको तो पालन करने में आप ही का ही जीवन बचेगा और आपका परिवार का ही जान बचेगा, और इसको कड़ाई से पालन करिए। और यदि तो स्थिति सही हो जाएगा, हम जल्दी खोल देंगे उसको, बट इस समय में आप सहयोग नहीं करेंगे इसी की वजह तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी, फिर हम फैलने से रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, ये 3 थाना क्षेत्र है, खासतौर पर हमारा कोतवाली है, राजघाट है और तिवारीपुर, इसी थाना क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा तो और 4 दिन हम बंद रखेंगे, उसके बाद खोल देंगे, तब तक हमें सहयोग करें।